हाय गाइस, वेलकम टू डेली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DCM NBL के बारे में। आखिर क्या हमारा टारगेट प्राइस है DCM NBL को लेकर, और क्यों इस स्टॉक को हमें अपने रडार पर रखना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको ये एक बेसिंग पैटर्न नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, आज आप देखोगे ब्रेकआउट जोन के नज़दीक है और ब्रेकआउट हमें देखने को भी मिला। यहाँ देखोगे वॉल्यूम भी क्रिएट हो रही है। अगर यहाँ हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो 280 रुपये का रहने वाला है DCM NBL को लेकर आने वाले दिनों में। आप यहाँ देखोगे अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, उसके बाद आप देखोगे स्टॉक के प्राइस नीचे आए। अब कहीं ना कहीं यहाँ आप देखोगे बेसिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसकी वजह से आप देखोगे 6% की तेज़ी हमें स्टॉक में देखने को मिली और अच्छे खासा जो वॉल्यूम में बिल्डअप आज हुआ। पिछले 5 दिनों में देखें तो तकरीबन 7.5% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में तकरीबन 23.5% की तेज़ी, पिछले 6 महीने में तकरीबन 35% की तेज़ी, और पिछले 1 साल में तकरीबन 51% के रिटर्न DCM NBL ने दिए हैं। वहीं कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स उतने मजबूत नहीं है और कंपनी पर कहीं ना कहीं डेप्ट का दबाव भी है। वहीं अगर कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 50% है, FIIs की हिस्सेदारी तकरीबन 0.52% है, DIIs की हिस्सेदारी तकरीबन 2% है, वहीं पब्लिक के पास तकरीबन 47.5% की हिस्सेदारी है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स उतने सही नहीं है, पर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट कहीं ना कहीं हमें बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है DCM NBL के अंदर। आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर जरूर रखना है। पहले ही बता दूं, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू।